हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे बुक की समीक्षा करने जा रही हूँ जिन्हें प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसका नाम है निर्मला। हिंदी साहित्य में निर्मला को प्रेमचंद जी की जो कृति है उसको सर्वोत्तम मानी गई है और ये हर हिंदी पाठकों की हमेशा से फेवरेट रही है। इसमें निर्मला के जीवन चरित्र का पूरा वृत्तांत किया गया है। निर्मला के जीवन की हर एक कड़ी को समेटने की कोशिश की गई है। निर्मला की 15 वर्ष में विवाह कर दी जाती है। पहले उसकी शादी इसलिए टूट जाती है क्योंकि वो दहेज नहीं जुटा पाते हैं और अचानक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर निर्मला का विवाह उनकी माँ के लिए एक बोझ बन जाता है। तब वो 35 साल के अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ उसका विवाह कर देती हैं जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे रहते हैं और उनका जो बड़ा बेटा रहता है वो निर्मला की उम्र का ही रहता है। पर निर्मला वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, बच्चों को वही ममता देने की कोशिश करती है जो उसकी रियल माँ दे सकती थी। पर फिर भी उनके पति के द्वारा अपने बड़े बेटे और निर्मला के चरित्र पर सवाल खड़ा कर देती हैं। वो दोनों के लिए शक करने लगते हैं और ये कहानी में बहुत बड़ा मोड़ ले आती है जिससे निर्मला का जीवन बहुत ही दुखों से भर जाता है। इसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बता देने से आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप इसको ज़रूर पढ़ें और ये बहुत अच्छी कृति है जिसे हर हिंदी पाठक को पढ़ना चाहिए और यह किसी भी जो हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं पढ़ने के लिए ये उनके लिए बहुत अच्छी है। भाषा बहुत सरल है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। निर्मला के जीवन के साथ ही साथ यह बहुत सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियों को उजागर करती है जैसे कि दहेज प्रथा, बेटियों को बोझ समझना, किसी भी पुरुष को सौंप देना और भी बहुत सारी। यह 90 साल पहले लिखी गई उपन्यास थी जो मानसिक विकार लिए आज भी पुरुष हैं, आज भी ऐसे लोग जीवित हैं जो ऐसे मानसिक विकार से ग्रसित हैं। आज क्या बदलाव नहीं आना चाहिए? 90 साल पहले जो चीज़ें घटित होती थी क्या आज वो नहीं हो रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और मैं इसी सवालों के साथ आपको छोड़ के जाना चाहूँगी। क्या अभी बदलाव की ज़रूरत नहीं आन पड़ी है? क्या हमें अब नहीं बदलना चाहिए? क्या आज ऐसे निर्मला को ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर ना होना पड़े? अब बदलाव इस दौर पर बहुत ज़रूरी हो गया है। पर यह उपन्यास आपको हर एक उसकी कुरीतियों से उजागर करेगा जिसको आपको समझना चाहिए और बदलाव लाने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।